वेलकम पीके टेक्सटाइल आर्ट वर्क। सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। आज हम एक चैनल स्टार्ट करके हमारा 49 डिफरेंट टेक्सटर की वीडियो डाले हैं। आज मेरा 50वां टेक्सटर डिज़ाइन की वीडियो हम यूट्यूब में डाल रहे हैं। आप सब लोग की प्यार और आशीर्वाद से हम धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज एक टेक्सटर में वुड डिज़ाइन कैसे बनता है इसके बारे में हम बताएंगे। आज की टेक्सचर अभी बना है, ये मेरे को हाथ में पकड़ रहा है, तो इस डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। आज की टेक्सचर के लिए हम जो टूल नहीं कह सकते, ये ब्रश, ऐसा एक ब्रश, पुराना ब्रश मिला तो उसमें ही कुछ बना के दिखाएंगे। ये प्लास्टिक से बनता है ये ब्रश, एक ऐसा, इसी से एक डिज़ाइन बनाएंगे। जो इस डिज़ाइन में मटेरियल ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, देखो एकदम पतला ही रखना। आपको आपके पास मास्किंग टेप है तो एक 4 इंच में ऐसा मार करके टेप डाल के एक एक चीज कर सकते हो। नहीं तो बाद में एक बार स्क्रू ड्राइवर में कुछ कटिंग करके निकालना पड़ेगा। तो आज की डिजाइन चालू करेंगे इसमें। जो ब्रश है ना, इस ब्रश को पूरा नहीं लगाते, थोड़ा जस्ट इतना ही, ये पूरा ब्रश नहीं लगाने का, थोड़ा इतना ही, इतना में हम इसको ऐसे ऐसे कुछ अंदाज में लेके जाते हैं। जब हम ऐसे खींचते हैं, देखो ऐसा वेव जैसा आता है ना, तो ये जगह, इस जगह को ऐसा ही बरकरार रखो, थोड़ा थोड़ा वो आना चाहिए, उसी हिसाब से करते जाओ। ऐसा फुल पीस को लेके जाओ, थोड़ा ही बस, देखो मेरे को इतना ही लग रहा है, इतना ही जगह, ये पूरा नहीं लग रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है, थोड़ा इतना ही बस। तो दिखाऊंगा, देखो अभी इस पैटर्न कैसे बन गया। ऐसा थोड़ा गैप आना चाहिए, देखो आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ कर लो, वो थोड़ा अच्छा दिखता है। ये ब्रश सब जगह पर रहता है, इसे प्लास्टिक वायर ब्रश बोलते हैं, प्लास्टिक ब्रश, ये हर हार्डवेयर दुकान में मिलता है, पुराना भी मिलता है, साइड पे रहता है उधर इधर। आप लोगों को हम सबसे ज़्यादा और बेहतर
वर्ल्ड बेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया में थोड़ा अच्छा डिज़ाइन जो कुछ है उसी से भी बेहतर डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो डिज़ाइन ऐसे बन के अच्छा लगा मुझे, तो ही मैं उसका वीडियो बनाता हूँ और उसे आगे करता हूँ। जो एंडिंग आता है ना इधर इधर थोड़ा ऐसा कर लो, एंडिंग प्लेन जैसे ऐसा नहीं मिलना चाहिए। देखो थोड़ा तो कुछ ऐसा कर लो। आज की ये पैटर्न आपको मेरे हिसाब से आइडिया आ गया होगा। तो चलो आप भी कहीं साइड पर शोकेस पिलर एंट्रेंस की जगह पर छोटे छोटे दीवार होते हैं उस दीवार पर ऐसे डिज़ाइन बना लो। मान लो अभी ये सूख गया तो आपको इसको एक 4 इंच या 6 इंच ऐसा कुछ मार्क कर लो। मार्क करने के बाद इसे ऐसा रख के ऐसा थोड़ा कट कर लो, ऐसा ग्रूव बना लो। आपको इसको ऐसा भी ग्रूव कर सकते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा एक ग्रूव करके ऐसा थोड़ा ग्रू कटिंग कर लो। आपको चाहिए तो इसको फिर बॉक्स की जैसा भी कर सकते हो, बॉक्स की नहीं ब्रिक टाइप। ब्रिक टाइप करने के लिए आपको ऐसा लंबा काटना पड़ता है, ऐसा कुछ लंबाई में काट लो तो आपको ऐसा लंबा कट करने से आपको क्या हो गया। देखो ऐसा कट कर लो, डिज़ाइन भी कट हो जाता है और दिखने भी अच्छा लगता है। ओके एक पैटर्न अभी सूख गया है, इसे हम क्लॉथ पेपर से सैंडिंग करके एक कलर मारेंगे। जो यूज कर रहे हैं वो मटेरियल एटी का क्लॉथ पेपर है, 80 नंबर का, 80 नंबर का क्लॉथ पेपर से दस एक तो नहीं जा रहा है, तो कितना स्ट्रांग है थे कोई मटेरियल। इस वुड डिज़ाइन में, टेक्सचर वुड डिज़ाइन में ये नया पैटर्न है। हम इसको कुछ लाइट कलर एफेक्ट्स मार लेते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम लाइट कलर एफेक्ट्स। हम वुड डिज़ाइन करते हैं तो वाटर बेस ही करते हैं। इसके ऊपर हमने
इस बेस कोट तो सूख गए है, इसके ऊपर हम एनामल पेंट मारेंगे। इसका नाम है कॉफी ब्राउन ब्राउन। एक कोट पूरा एनामल पेंट मार देंगे इसको। ये टेक्सचर वुड है। ये दीवार पर और पिलर, स्क्वायर पिलर जैसे जगह पर भी हम आराम से कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और दिखने में भी कुछ अलग दिखता है। इसमें क्या है कि जब हम एनामल पेंट मारते हैं ना, थोड़ा पतला करके मारिए। पतला के मतलब 100 ग्राम पेंट है तो मान लो 50 ग्राम टर्पेंटाइल डाल दो। 100 ग्राम पेंट को 50 ग्राम टर्पेंटाइन डाल के पतला कर लो। पतला करने के बाद उसे एक आदमी ब्रश से मारते जाओ। पीछे से एक आदमी जब इसको वाटर, पीछे से एक आदमी इसको कपड़े में पोंछ के निकाल लो। दबा के नहीं, ऊपर से अभी दिखाऊंगा मैंने। फिर इसको बेस कोट जो मैंने एपेक्स मारा है वो आपकी कौन सा भी कलर हो, चाहे लाइट येलो हो, क्रीम कलर हो, कुछ भी हो, दो कोट कंपलसरी मारने का है। अभी हम इसको एक कोट फुल मार दिया ना। अभी हम एक कपड़ा लेते हैं, उसी से अच्छे तरह से ऊपर से ऐसा पोंछ के निकाल लेते हैं। दबा के नहीं, ऊपर से ऐसे ही निकालते आते हैं। टेक्सचर कैसा दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सूखने के बाद इसको और कुछ करके दिखाएंगे। अभी हमारा ये टेक्सचर सूख गया है, आपको कैसा दिख रहा है देखो। इस डिजाइन ये आज की स्पेशल है, संडे टेक्सचर वुड जैसा ही दिख रहा है। और आज इसमें थोड़ा स्पेशल करेंगे। इसमें थोड़ा स्पेशल बोले तो इसको हम कुछ नया लुक देंगे। टेक्सचर वुड को ही नया लुक देंगे। इसके लिए हम आज यूज कर रहे हैं वाटर बेस गोल्ड। इस वुड के ऊपर हमने गोल्ड लेके जाएंगे तो आपको सीधा टेक्सचर चाहिए तो सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ वैरायटी करके देखा उतना ही। गोल्डन टेक्सचर वुड है। सब लोग उड़ के ऊपर गोल्ड काला मारते हैं और गोल्ड नहीं तो कॉपर भगाते हैं। हमने कुछ वैरायटी करके दिखाया। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आज हमारा ये नया डिज़ाइन
आपको कैसा लगा इसके बारे में, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। आगे और नया डिज़ाइन लाएंगे।